बिलासपुर जिले में इन दिनों खादी प्रदर्शनी की धूम मची हुई है। यहाँ मिलने वाले डिजाइनर जैकेट, कुर्ता पजामा और अन्य वस्त्र लोगों को लुभा रहे हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर में बीते 12 मार्च से 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के दौरान खादी से निर्मित परिधानों पर आधारित फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें खादी से बने नए डिजाइन के वस्त्रों को काफी सराहना मिली। प्रदर्शनी में भाग लेने आए युवा फैशन डिजाइनरों में भी इसे लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। फैशन डिजाइनर कोमल ने कहा कि खादी के वस्त्र सभी मौसम के अनुकूल होते हैं और इन्हें पहनकर आप अपनी मिट्टी से भी जुड़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कोमल नागदो है, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। और आज जो हमने शो किया वो इसलिए था बेसिकली कि देखिए, खादी एक लौता ऐसा फैब्रिक है जो आप जब चाहें, जैसे चाहें वैसे पहन सकते हैं, तो खुद को अपनाइए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बिलासपुर के सहायक संचालक पंकज कुमार अग्रवाल ने कहा कि फैशन शो के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इसे जन जन में लोकप्रिय बनाना है। उन्होंने कहा कि खादी सिर्फ राजनीतिक हस्तियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र नहीं है, बल्कि आप जो ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े पहनते हैं वो भी खादी से तैयार किए जा सकते हैं। फैशन शो में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खादी को सिर्फ लोग जो है एक मानसिकता थी कि नेता लोग ही पहनेंगे, या खादी जो है सिर्फ एक वीआईपी वस्त्र है, वो ऐसा नहीं है। ये आम जनता भी उसको पूरे डिज़ाइन के साथ, जो आज मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांडेड कपड़े आते हैं उन डिज़ाइनों के साथ खादी के कपड़ों को भी वो पहन सकते हैं और खादी में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खादी बना रहे हैं, जो महिला स्व सहायता समूह उसमें काम कर रही हैं, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा इससे। प्रदर्शनी के दौरान ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तैयार अन्य घरेलू सामग्रियों की बिक्री भी की जा रही है। प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।